हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू पाचार। एंड मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आज कि एक प्लास्टिक्स ग्लास एंड डिस्पोजल कप के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक्चुअली आपके या हमारे लिए जिस डिस्पोजल प्लेट्स में हम लोग खाते हैं या स्ट्रीट में जब जाते हैं, तो ये सही है कि नहीं है, इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा। कितना तक सही है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। जो मेरा जो चैनल है, आपको पसंद आया था प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट आता है आपको टी कॉफ। जैसे स्ट्रीट, हम लोग इंडिया के जो स्ट्रीट में जाते हैं, तो टी कॉफ हम लोग जो इंसान पीते हैं, चाय पीते हैं, जो भी पीते हैं। चाय पीने के टाइम में आपको उस गिलास क्या सही है कि नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। एक्चुअली चाय पीते समय आपको उस गिलास में हॉट चाय जब उस गिलास के अंदर में डालते हैं, तो वो जो चीज़ है इसमें आपको सही नहीं है। क्योंकि ये जो टी कॉफ है, टी कॉफ आपको प्लास्टिक जो बना हुआ रहता है उसमें आपको बहुत केमिकल्स से दिया हुआ स्वीट्स जब बनाते हैं, उसको स्पॉन्जिंग डाइस में डालते हैं, डाइस में डालने और टी कॉफ शेप्स का उसमें बैरियर में आता है, तो इसी तरह से बनाया जाता है। इसके में बोलते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक्स तो बैक्टीरिया इसमें इंटर हो जाते हैं। जब एक टी चाय उसमें गिलास में डालते हैं, तो इसमें टी कॉफ बना चाय उसमें एंटर हो जाता है। होने के बाद आपको जब वो चाय हम लोग चाय के रूप में हम लोग पीते हैं, तो एक ही हमारा शरीर के लिए वो चीज हार्मफुल है। चीपेस्ट प्राइस्ड के लिए हम लोग ये चीज़ शॉर्टकट काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक्स पेपर कप को, प्लास्टिक कप को, डिस्पोजल प्लेट्स को हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। जैसे आपको चाय का जो गिलास है, गिलास में हम लोग हॉट टी जब डालते हैं, तो उसमें से वो हॉट टी वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद वो जो चाय का जो वो है बैरियर है, उसमें से आपको फैलता है। फैलने के बाद गिलास को फैल जाता है। फैलने के बाद आपको उस चाय में प्लास्टिक का जितना भी बैक्टीरिया है, माइक्रो प्लास्टिक्स बैक्टीरिया जो जीवाणु है, उसमें चाय में इंटर जाता है। चाय इंटर होने के बाद हम लोग डायरेक्ट उस चाय को पीते हैं। पीने के बाद हम लोग उस बॉडी में आपको इंटर हो जाता है। तो एक कप चाय पीने के टाइम में आपको 25,000 बैक्टीरिया उसमें शरीर के अंदर में इंटर हो जाता है। ये चीज़ है ये साइंटिस्ट या तो लैब्स में इस तरह का कैटेगरी से प्लास्टिक्स जो है वो मेल्ट कर हम लोग इंसान का बॉडी में चल जाता है। सेम चीज डिस्पोजल जो प्लेट है उसमें सेम चीज़ है कि जब हॉट फूड शादी बाड़ी में, कोई रेस्टोरेंट्स में, छोटा छोटा स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो हम लोग को क्या प्लास्टिक तो प्लेट में हम लोग को खाना सर्व करते हैं। खाना सर्व करने के बाद वो जो हॉट फूड जब डालते हैं उस प्लेट्स में, तो उस प्लेट में डालने के बाद आपको वो प्लेट थोड़ा फैल जाते हैं। फैलने के बाद वो केमिकल क्या है उसमें फूड के अंदर में मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद हम लोग उस फूड को खाते हैं। खाने के टाइम में आपको ये फूड में बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स बैक्टीरिया इंटर हमारा बॉडी में हो जाते हैं। इसका बैक्टीरिया का जो क्वांटिटी है, 1, 2, 3, 4 नहीं है, इसमें 25,000 बैक्टीरिया हमारा शरीर में इंटर हो जाते हैं। इस टी कॉफ को हम लोग जब चाय के रूप में पीते हैं, तो इसमें क्या है, 25,000 प्लास्टिक्स माइक्रो प्लास्टिक्स बैक्टीरिया इंटर हो जाते हैं हमारा बॉडी में। अगर इंसान ने हमको
इंसान ने चार बार पांच बार हम लोग पिए, तो चार बार पीजिएगा तो एवरीडे आपको कितना 1,00,000 माइक्रोप्लास्टिक्स बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं हमारा बॉडी में। ये आपके लिए सेफ नहीं है। कभी ये बीमार, बहुत सा बीमार डिसेस ग्रो करने लगता है, डिसेस तो प्रोडक्शन होने लगता है, जैसे कैंसर, कैंसर टाइप का बीमारी हो गया कैंसर, या ये हार्मफुल फूड टू आवर बॉडी, ये जो चाय है हम लोग हार्मफुल हो जाते हैं। इस तरह से डिस्पोजल प्लेट्स एंड डिस्पोजल प्लास्टिक्स प्लेट्स बहुत हमारा लिए सबसे खतरनाक है। इसमें क्या है, आपको गिलास का गिलास यूज करिए सबसे अच्छा है, उसके बाद माटी का भांड है वो भी पीजिए चाय सबसे अच्छा है, उसके बाद जो डिस्पोजल प्लेट्स जो है प्लेट थोड़ा प्लास्टिक छोड़कर दूसरा प्लेट आप लोग यूज कर सकते हैं, इस तरह से सेट से जो कॉफ जो चाय पीते हैं जो पाए चाय पीते हैं वो कॉफ होना चाहिए या गिलास होना चाहिए, शीशा गिलास, प्लास्टिक गिलास आपको सेफ्टी के लिए नहीं है। शॉर्टकट को चलते हम लोग ये सब चीज हमारा जिंदगी को सबसे खतरनाक में बना देते हैं। ये आपको प्लास्टिक्स जो है आपको चीपेस्ट में मिलता है, इसलिए इजी हो जाता है, क्लीन नहीं कर पड़ता है, आपको यूज एंड थ्रो करके आप लोग फेंक देते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं। इसी तरह से आपको डेंजर हो जाता है हमारा बॉडी के लिए, डिसेस ग्रो करता है, बहुत सारे बीमारी टीबी हो गया, कैंसर हो गया, इस टाइप से प्लास्टिक्स में तो एक्चुअली प्लास्टिक का जो बोतल है उसमें एक्चुअली लिखा रहता है कि स्ट्रिक्टली कि आप पानी पीजिए के बाद वो वन टाइम यूज करके उसको डायरेक्ट थोड़ा डिस्पोज करिए, ये एक्चुअली स्ट्रिक्टली लिखा रहता है बोतल के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं उस बोतल को घर में लेके आते, घर में लेकर उसमें पानी पीता है, रिपीट 2-3 महीना पानी पीता है, पीने के बाद क्या वो बॉडी में जितना भी बॉडी है हम लोग बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। एक फूड को इस डिस्पोजल प्लेट्स में एक डिस्पोजल जो प्लेट्स में ये फूड जब डालते हैं इसका टेम्परेचर 63 अबव होना चाहिए, परसेंटेज अबव होना चाहिए, सेंटीग्रेड डिग्री में हम लोग फूड को लेते हैं, उस 63 टेम्परेचर में आपको जो प्लेट है डिस्पोजल प्लेट है थोड़ा गलने लगता है। यही है छोटा आपके लिए ए फूड सेफ्टी के लिए, आपके लिए आप जिधर भी रहिए लोग भी। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलता हूँ।